लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को लाने और ले जाने के और वाहनों के पास बनाने में आ रही समस्याओं को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश के सभी आरटीओ और डीटीओ से चर्चा की। मंत्री खाचरियावास ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग का काम है पास बनाना, ऐसे में ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी पास बने जिससे सप्लाई चेन बाधित नहीं हो। साथ ही कहा, जो मजदूर प्रदेश में फंसे हुए हैं, अगर वो प्राइवेट बस किराए पर लेकर अपने राज्य जाना चाहते हैं तो उनको भी अनुमति दी जा सकती है। वहीं इस दौरान मंत्री खाचरियावास ने कई जिलों में पास बनाने को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर जिलों के परिवहन अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नीयत है कि राजस्थान का मजदूर कहीं भी फंसा हुआ आ जाए और यहाँ का मजदूर बाहर चला जाए, और यदि कोई कलेक्टर डीटीओ के पास जा रहा है, डीटीओ के पास आरटीओ के पास जा रहा है और आदेश जारी हो गया है तो उसका पास बनाए। परिवहन विभाग का काम है पास बनाना, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन उससे क्या फर्क पड़ता है। सब्जी वाला हो, गुड्स वाला हो, ट्रक वाला हो, टैक्सी वाला हो, पास तो आप बनाओगे। कहीं अटक गया तो आप पास बनाओगे। पुलिस का नजरिया कभी पास बनाने का रहा ही नहीं, तो परिवहन विभाग का काम है। पुलिस अपना काम करेगी लॉ एंड ऑर्डर का, आप करोगे पास बनाने का काम, तभी तो लोगों को सब्जी मिलेगी, आटा मिलेगा। आप उस पर टाइम लगाओगे और बहानेबाजी करोगे तो ज्यादा परेशानी आएगी। इसलिए कोई बहानेबाजी नहीं। यदि मैंने साफ कहा इस संकट की घड़ी में कोई आरटीओ डीटीओ कोताही बरतेगा, बेवजह परेशान करेगा लोगों को, मैं एक्शन लूंगा। मैंने इसलिए नाराज किया।